Let's start the journey for T20 World Cup 2021 to 2022 with the bag from 2021. Let's go. Assalam dosto, Pakistan World Cup ke final mein aur mera Pakistan se World Cup final ke liye safar shuru hua jata hai. आपको साथ साथ रखेंगे, अभी जहाज भी होंगे निकलने वाला है, तो लाहौर से फ्लाई कर रहा हूँ कुआलमपुर, और कुआलमपुर में आपको अपडेट करेंगे. You must remove your face mask and immediately pull the mask towards you. Place the mask over your... पहला एक्सपीरियंस है मेरा कुआलमपुर आने का, और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मलेशिया एक बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर पे देखा जाता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन उतनी गहमा गहमी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है, और यहाँ के स्टे के बाद अपनी मंजिल की तरफ मेलबर्न, नींद ज़रा आई हुई है ज़्यादा, तो आँखें आपको लग रही होंगी लेकिन थकावट है. तो मेलबर्न पहुँचते हैं, बाकी सफ़र से भी आपको आगाह रखेंगे. So stay tuned for the grand finale, Pakistan versus England, Melbourne Cricket Ground on Sunday. जनवरी तक हम कतर से आते थे, ठीक है, तो उसकी वजह से वगैरह. आपको थोड़ा कुआलालंपुर एयरपोर्ट की सैर कराते हैं. लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बट नॉट दैट बिजी. ये मिलिंडा एयरलाइन का थ्रू जा रहा है. लाइक इट्स लुक डिजर्टेड. जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजी होगा, उतना बिजी नहीं है. बस एक दुखा फ्लाइट है और कुछ मुसाफिर हैं. शायद ये अर्ली इन द मॉर्निंग है, इसकी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर बिजी देन दिस. सोवेनियर शॉप, दिस इज द ट्विन टावर, यहाँ का फेमस आइकॉन बिल्डिंग. ये फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नॉर्मली एयरपोर्ट्स पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है टॉयलेट्स. ये इनका थोड़ा मेन एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं. तो ये हमारी फ्लाइट है जी टूवर्ड्स मेलबर्न, यहाँ के तकरीबन 5 बजे रवाना होगी. लिक्विड लेवल्स उनके लिए. चॉकलेट्स आपको तकरीबन किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पे ये गिफ्ट शॉप्स में ज़रूर मिलेंगी. ये थोड़ा सा इसका मरकज़ी हॉल है. जर्नी इन मलेशिया. कुछ एरोप्लेन के मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं जो एयरलाइंस यहाँ शायद ऑपरेट करती हैं उनके. मलेशिया एयरलाइन, ओ ब्यूटीफुल, जेजा किया ये एयरलाइन एज वेल. सो बड़ा अच्छा लगा पिया ये को यहाँ इन टॉप एयरलाइंस के अंदर देखे. तो दिस इज PIA, वेरी नाइस. लेट्स सी, इंडियन एयरलाइन है यहाँ पर, टर्किश. बट नो इंडियन एयरलाइन. सो एयरपोर्ट पर कॉफ़ी शॉप का होना ज़रूरी है. सो ये ग्लोरिया जींस ना वॉचेस एंड अ स्मॉल सुपरमार्केट, और कुछ मुसाफिर लेस ट्रैवलर एज
आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो एक छोटा सा टूर हमने आपको कुआलालंपुर एयरपोर्ट का करवा दिया, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया। दिस इज़ अ मोनो ट्रेन बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ कुआलालंपुर एयरपोर्ट। अगर आपके पास टाइम हो तो आप के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन में। और एक अच्छा व्यू है, थोड़ी बारिश भी हो रही है यहाँ, इट्स नाइस। आप रनवे के अंडर जो है वो जाती है ये ट्रेन, इट्स ब्यूटीफुल। साथ बस भी चल रही है, वी आर नाउ अंडर द रनवे। सो कुआलालंपुर एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल इस मोनो ट्रेन के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको सेल्फ ट्रांसफ़र की या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से हो तब भी। दिस इज़ अ गुड व्यू ऑफ कुआलालंपुर एयरपोर्ट, ट्रेन से ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब हम ये दूसरे टर्मिनल पे आ गए। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, आप एक टर्मिनल पे बैठे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप इसका जब बाहर निकलते हैं तो आपको फील होता है कि सभी एयरपोर्ट कुआलालंपुर नेशनल एयरपोर्ट। फाइनली हम टर्मिनल पे आ गए हैं, द सेकंड टर्मिनल। यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन नज़र आ रही है, ये थोड़ा बिजी लग रहा है टर्मिनल एज़ कम्पेयर टू अदर टर्मिनल। लेट्स गो आउट, तो आपको इस टर्मिनल का भी विजिट कराते हैं थोड़ा सा। Here it is, the other terminal of Kuala Lumpur airport. Go iska teesra chautha chakkar laga raha hu, time wahan pass karna hai, kuch 8-9 ghante ka layover tha. Beautiful, barish bhi ho rahi hai, bahut acha view aapko milega, aur ye bada acha dono terminals ko connect kar diya, aur darmiyan mein runway ke niche se ye mono train jati hai ek terminal se dusre terminal tak. Yahan is waqt achhi खासी तेज़ बारिश हो रही है, ब्यूटीफुल व्यू है, मौसम बड़ा अच्छा है कुआलालंपुर का। और ज़ाहिर एयरपोर्ट से बाहर जाने का इतफाक़ तो नहीं हो सका, लेकिन जो कुछ एयरपोर्ट से हमने देखा है ब्यूटीफुल। ये अब रनवे के हम नीचे से ट्रेन अंडरपास बना है, वहाँ से दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करती है कुआलालंपुर एयरपोर्ट। तो अलॉन्ग लेओवर जो ख़त्म हुआ, और हम इस वक्त कुआलालंपुर से अगली डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। सो वी आर ऑन द वे टू ऑकलैंड। लैंडिंग एट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बाली इज नाइट, अच्छा व्यू आपको नहीं मिल सकता रात को। तो फाइनली इस लंबे सफ़र में अब हमारा पड़ाव इंडोनेशिया का बहुत ही खूबसूरत सियाहती मकाम बाली है, और बाली एयरपोर्ट पर हम उतरे हैं। यहाँ कुछ हमारा ट्रांजिट है, उसके बाद हम जो है वो मेलबर्न की तरफ रवाना हो जाएंगे। फाइनली दिस इज बाली एयरपोर्ट, हैव अ क्विक विजिट टू बाली एयरपोर्ट, देन वी आर ट्रांजिटिंग टू मेलबर्न, क्योंकि इसमें हिंदू मेजॉरिटी है, आपको इस तरह की चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी इस एयरपोर्ट पर।
इट्स मेलबर्न मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन या ओके सो इट्स अ क्विक ट्रांजिट आज बिल्कुल पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न का सफ़र मेरा आखिरी एयरपोर्ट है मेलबर्न से पहले बाली एक खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट है इंडोनेशिया का और यहाँ से हमने प्लान चेंज किया इस प्लान में हम सवार हो रहे हैं यहाँ से हम मेलबर्न जाएंगे कोई मज़ीद 6 से 7 घंटे की फ्लाइट है और उसके बाद फाइनली जो मेरी डेस्टिनेशन है मेलबर्न फॉर दिस ग्रैंड फिनाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड उसके लिए ड्रीम जर्नी अब ऑलमोस्ट अपने एग्जाम को पहुँचने वाली है सो वी आर लिविंग मेलबर्न फ्रॉम बाली T20 फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एक लंबा सफ़र था 35-40 घंटे का और फाइनली हम मेलबर्न पहुँचे हैं और आज MCG में तगड़ा मुकाबला होगा इंशाल्लाह सो वेलकम टू मेलबर्न सो वी केम आउट फ्रॉम एयरपोर्ट तो आपको क्रिकेट का वर्ल्ड कप का बुखार यहाँ नज़र आएगा मेलबर्न में सो द किंग बाबर इज़ देयर कंटिन्यू करना है ऐसे ही रखो सो मेलबर्न आ गए सर वर्ल्ड कप का फाइनल है आज और उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह आज बिल्कुल आज बड़ा तारीखी दिन है इस हवाले से कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में आज फाइनल में इंग्लैंड से मद्दे मुकाबला होगा लेकिन इस बड़े मार्के से पहले दोनों टीमों को एक और चैलेंज दरपेश है और वो मैच है मौसम के साथ बारिश की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा की जा रही है आज के दिन में गो के अगर आज ये मैच मुकम्मल नहीं हो सकता तो इसके लिए रिजर्व डे सोमवार का दिन भी रखा गया लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिश ना हो उस तरह से और मैच कंटिन्यू हो लेकिन जो इस वक्त वेदर पोजिशन है इस वक्त क्योंकि मेलबर्न में सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं और एक बेहतरीन तेज़ सनशाइन आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं मेकअप में कि बिल्कुल मौसम साफ़ है आसमान पर इतने बादल भी नहीं हैं लेकिन क्योंकि मेलबर्न के वेदर के हवाले से बताया गया कि विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स ये चेंज होता है तो अभी 10 घंटे रहते हैं मैच शुरू होने में तो उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ मेलबर्न से कि इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा है लेकिन जो प्रेडिक्शन है बारिश की अगर मैं जो एक मैप मैंने खोला हुआ है इस वक्त वो कुछ देर बाद लाइक 12 से ऑनवर्ड जो है वो बारिश के चांसेस यहाँ शुरू हो जाएंगे लेकिन जो मैच टाइम है यहाँ पर 7 बजे वहाँ पर मेलबर्न सिटी में बारिश के 50% चांसेस हैं 50% शो कर रहा है और उसके बाद ऑनवर्ड सारी रात बारिश के मतलब सारी रात बारिश है और फिर कल का डे जो रिज़र्व डे है उस पर भी बारिश है तो मौसम की जो इस वक्त की पेशन गोई है जो मैप पर आ रही है जो वेदर फोरकास्ट बता रहा है उसमें तो बारिश है लेकिन सुबह के टाइम इस वक्त मेलबर्न में आप देख सकते हैं बेहतरीन सनशाइन है और ये सनशाइन कंटिन्यू करती है तो जो शायकीन है क्रिकेट है खासकर पाकिस्तान और इंग्लैंड में और पूरी दुनिया क्योंकि फोकस कर रही है इस मैच को जो क्रिकेट के शायकीन है इस फाइनल वर्ल्ड कप के मैच के लिए तो उनके लिए अच्छी खबर इस हवाले से ये हो सकती है कि अभी वेदर अच्छा है लेकिन जो फोरकास्ट है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इस बड़े मैच से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड को जो दरपेश चैलेंज है मौसम का मौसम से जो उनका मैच है उसके लिए अभी 50-50 है कि आया ये बारिश इस मौसम इस मैच को इस बड़े मैच को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है जी